सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेटेस्ट भीज को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू लेटेस्ट भीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर रिलेटेड क्विज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड व्हिच प्रोग्राम टू एंश्योर सेमलेस ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, जो कि है वन नेशन वन कार्ड। इसे अभी अभी ही प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। व्हिच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाय एनवायरमेंट एनजीओ ग्रीन स्पेस इंडिया। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गुरुग्राम। गुरुग्राम ने अभी टॉप किए हैं, मतलब गुरुग्राम सबसे पॉल्यूटेड सिटीज है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली है सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल, और सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज होता है गुरुग्राम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। Which bank acquired 9.9% stake in non-banking finance company किसान फाइनेंस। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ICICI बैंक। ICICI बैंक के पास है 9.9% का स्टेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country will collaborate with भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ एशियन राइनोज। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इंडिया। इंडिया अभी ये नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, जो प्रोजेक्ट होगा एशियन राइनोज के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का। तो चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉन्च्ड हाउ मेनी परमानेंट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज GPS स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 22 GPS स्टेशन अभी मतलब लॉन्च किए हैं इंडिया ने टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम टू ट्रेन क्लास 9 स्टूडेंट्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। इसरो ने अभी ये लॉन्च किया है कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट को लेके बनाया जाएगा, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन के ऊपर काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state government announced Nutan Disha to access academic level of school students? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है त्रिपुरा। त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने इसे अभी Nutan Disha अनाउंस्ड किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन योगा वॉज मेड इन व्हिच सिटी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग ने अभी हिस्टोरिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which company partnered with India Mortgage Guarantee Corporation to offer home buyers enhanced loans eligibility and easy loans? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है LIC HFL। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently China lowered its economic growth for 2019 to how much percent? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 6 to 6.5%। कितना होता है 6 to 6.5%, इतना लोअर किया इसका इकोनॉमिक ग्रोथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली इमरान ताहिर अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर हो जाता है गाइस, उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्रिकेट। इमरान ताहिर कौन से क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और वो कहां से खेलते हैं? वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Who stepped down from the post of India's double badminton coach? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तानकिर हर को अभी मतलब मेंस डबल के बैडमिंटन कोच के मतलब वो क्या बोलते हैं पोजीशन से हटाया गया है। और ये कहाँ से है? ये है म्यांमार से। कहाँ से है? ये म्यांमार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the chairman of coordination committee of the 2022 Hangzhou Asian Games? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन, जो कि है रणधीर सिंह अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which company won the green era award for sustainability at
लिस्बोन इन पोर्तुगल। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टीवीएस मोटर। कौन? टीवीएस मोटर कंपनी ने अभी जीता है ग्रीन एरा अवार्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली ल्यूक पेरी पास्ट अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। तो इसका आंसर हो जाता है वो ल्यूक पेरी कौन थे। ल्यूक पेरी थे ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक्टर। ल्यूक पेरी एक एक्टर थे और वो 65 के एज में अभी उनका डेथ हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली भी धननायक कुमार पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पॉलिटिक्स। भी धनायन कुमार कहाँ से ये बिलोंग करते थे, वो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली क्रिकेटर बिल प्लेयर पास्ट अवे, ही प्लेड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से खेलते थे बिल प्लेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो इसका थीम क्या था, इसका थीम था ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चिल्ड्रेन सेफ्टी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, चिल्ड्रेन सेफ्टी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रहा आज के करंट अफेयर, इतने में ही। तो अभी आगे बढ़ते हैं आज के स्टैटिक जीके, जो कि है आज ही के करंट अफेयर के बेस पे है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चेन्नई। चेन्नई में है इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एच एफ एल। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में LIC HFL का हेडक्वार्टर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICICI बैंक। ICICI बैंक का कहाँ है ये हेडक्वार्टर। तो इसका भी आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मुंबई। मुंबई में है ICICI बैंक का हेडक्वार्टर। तो आगे बढ़ते हैं। वेन वॉज द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड पब्लिश। तो फर्स्ट टाइम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कब पब्लिश किया गया। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 10th of November 1951। इसी दिन फर्स्ट टाइम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पब्लिश किया गया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पब्लिश इन इंग्लिश। वो तो हम लोग को पता चल गया 10 November 1951 को फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, लेकिन इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। उसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 27th of August 1955। तो कहा है आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाते रहना। तो फिर मिलते हैं कल नया करंट अफेयर को और नया करंट अफेयर के क्विज को लेकर।